What is going on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video Wobbly Life and guys आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ Wobbly World में। और guys आज एक बहुत ही ज्यादा सुहाना और प्यारा दिन है Wobbly Life का। तो आज हम लोग जा रहे हैं मिस्टर चॉप के लिए एक नया घर खरीदने। एंड आई नो कि आप लोगों को ये वीडियो चाहिए थी बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर हम लोग थोड़ा काम करें। ठीक है, तो चलो भाई चॉप क्या हाल है दोस्त? भाई अरे क्या बताऊं, पुराना वाला घर बेच दिया, मेरे पास कोई घर नहीं है भाई। अरे अरे कोई बात नहीं दोस्त, आ जाओ मेरे घर में आ जाओ, तुम जल्दी से यहाँ पर से हवर बोर्ड कलेक्ट करो एंड चलो भाई नया घर खरीदते हैं। फोटू भाई लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है ब्रो, $100 कम पड़ रहे हैं भाई। अच्छा तो नया घर खरीदने के लिए $100 कम पड़ रहे तुम्हारे पास? कोई बात नहीं ब्रो, आज मेरे पास एक ऐसी जॉब है जिसको करने के बाद तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी ही नहीं होगी। और जहाँ तक बात है $100 की, तो वो प्रॉब्लम भी डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो जल्दी से अपना हवर बोर्ड निकाल ले एंड इट्स टाइम टू गो। ओके ब्रो, बहुत ज्यादा तेजी में निकल रहा हूँ मैं, लेकिन गाइस देखो तेजी तेजी में ही जाना पड़ता है। और यही है वो घर जो आज हम लोग खरीदेंगे मिस्टर चॉप के लिए, एकदम मेरे घर के बगल वाला घर है। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारे पूरे के पूरे आइलैंड का ना सेकंड सबसे बेस्ट घर होने वाला है, जिसमें मैं रहता हूँ वो सबसे बेस्ट घर है। ठीक है, उसके बाद जो अगला बेस्ट घर है वो चॉप का घर होने वाला है। तो गाइस हम लोग आज चॉप को घर देने वाले हैं। एंड कहां पर जा रहे तेरे को कोई आइडिया है चॉप? तो भाई पैसे कमाने के लिए जॉब करवाओगे और क्या करवाओगे ब्रो? अरे नहीं लेकिन कौन सी जॉब करेंगे इसका आइडिया है तुमको? तो भाई अब तो वो आप बताओगे तभी तो पता चलेगा, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूं ब्रो, तो मेरे को अपने आप पता चल जाएगा भाई। हाँ ये हुई ना बात, चलो दोस्त तो वो सरप्राइज रहेगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल तो मेरे को फॉलो करता रहे। और गाइस ये हवर बोर्ड आपको याद ही होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनको अनलॉक किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना एडवेंचर, इतना ज्यादा हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन, इतनी ज्यादा हम लोगों ने मिस्ट्रीज को फेस किया है, सीक्रेट्स को एक्सप्लोर किया है कि क्या ही बताओ भाई, बस इंसेन था। ठीक है, तो हम लोग आ चुके अपने लोकेशन पे, फटाफट से हवर बोर्ड को यहाँ पे करते हैं पार्क एंड लेट्स गेट इनसाइड। तो आई थिंक आप लोग को आइडिया लग चुका होगा गाइज कि आज हम लोग पैसा कमाने के लिए कौन सा जॉब करने वाले हैं। एंड दैट्स राइट, हम लोग आज बनने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, नहीं फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं, फायर फाइटर। हाँ फायर एक्सटिंग्विशर तो भाई वो होता है जो एक छोटी वो मोटी सी बोतल होती है ना जिसके अंदर से फोम निकलता है। तो गाइज इट्स टाइम टू गेट गोइंग। देखो हम लोगों ने जॉब एक्सेप्ट कर लिया है, हमारे पास 4 मिनट का टाइमर है एंड हमें 4 मिनट में 10 फायर एक्सटिंग्विश करनी है, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। बट अब क्या कर सकते हैं, अबे चॉप उसको हाथ लगाना बंद करेगा? भाई मैं तो ऐसे ही जाऊंगा ब्रो। और भैया लग रहा है चॉप भग रहा है भाई, 80 के स्पीड पे चॉप भगता हुआ जा रहा है हमारे साथ। लेकिन दोस्त याद रखना, एक भी पोल में टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे और बहुत ही ज्यादा रिस्की है ऐसे लटक के जाना। भाई भूलो मत, फायर फाइटर्स ऐसे ही जाते हैं ब्रो। अरे मर गया मर गया, ये बड़ा फायर फाइटर बनना चाहता था, स्टंट ड्राइवर बना के छोड़ दूंगा तेरे को रोड के ऊपर। आ जा भाई जल्दी चिपक जाए एकदम मस्त तरीके से, लेट्स गो। तो गाइस चॉप फिर से सुधरेगा नहीं, यहाँ पे फिर से इसको भाई अपना पेट छिलवाना है। तो आ जाओ भाई लटक जाओ एकदम पीछे मस्त तरीके से एंड चलते हैं गाइस अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारा डेस्टिनेशन है यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर जो कि है फार्म आइलैंड। तो यार ये जो किसान लोग होते हैं ना भाई, इनको यार बोलना पड़ेगा भैया जी सही से खेती बाड़ी कर लो यार, बताओ तुम्हारे घरों में आग लगती रहती है भाई, हर बार आग अपन लोग वही बुझाने क्यों जाते हैं मेरे को समझ नहीं आता है। बट गाइस लेट्स गो, वैसे भी बहुत दिन हो गया है मेरे को फायर फाइटर बने हुए, जब से अपन लोग Wobbly Life में अमीर हुए हैं तब से भाई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये देखो ये नूबड़ा चॉप मरेगा, मरेगा तू भाई, अभी खाई के नीचे गिर जाता, अब बता क्या करता मैं। भाई देखो खतरों का खिलाड़ी हूँ मैं, इसीलिए मेरे को डर नहीं लगता है ब्रो। अरे खतरों के खिलाड़ी तक ठीक है भाई, लेकिन जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके हम लोग अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं एंड होली शिट कितनी बड़ी आग है। और एक सेकंड चॉप, तू अभी तू फ्लाई कर गया क्या आसमान में? भाई नेवर माइंड दैट, वो थोड़ा सा ग्लिच था इसीलिए आसमान में लॉन्च हो गया, बट वापस आ गया हूं मैं। ऑलराइट तो जल्दी से ये पाइप ले और जितनी आग दिखाई दे रही है ना तेरे को उसके ऊपर इस तरह से स्प्रे करके उसको भाई बुझा दे जल्दी से। भाई लेकिन ये तो बहुत ज्यादा आग है ब्रो, क्या हम लोग सबको बुझा पाएंगे? अरे ऑफ कोर्स बुझा पाएंगे। अरे शिट मेरी पाइप का यार लेंथ ही नहीं जा रहा है इतने तक। एक सेकंड गाइस, लगता है मेरे को गाड़ी को थोड़ा पास लेके आना पड़ेगा, तो चलो फटाफट से इसको लेके आते हैं। भाई अरे अरे मेरी भी तो आग बुझा रहा था भाई, आप उसको क्यों ऐसे लटका रहे हो ब्रो? अरे मैं कुछ नहीं लटका रहा भाई, मैं अपना काम से काम रखने आया हूं। ओके अरे ये क्या है, कुछ गाड़ी के नीचे आर्टिफैक्ट वगैरह है, लेकिन छोड़ो उसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम लोगों को सारी आग बुझानी है। ओके चॉप हो गया तेरा काम? भाई हो तो गया, लेकिन मेरे को लेना मत भूलना ब्रो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाड़ी के अंदर आ जाओ जल्दी भाई, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। लेट्स गो। अरे अरे पानी, अरे भैया पानी और गाय दोनों उड़ाते हुए जा रहे गाइस रास्ते से हम लोग। भाई इन गाय को नहला दे रहा हूं मैं, इनको पानी की जरूरत होगी ब्रो। अबे अभी पानी की जरूरत हमको है हमारी, भाई ये ट्रक से खत्म हो गया ना पानी, आग बुझाते रह जाइयो, फिर क्या थूक मार मार के आग बुझाएगा। ऑलराइट लेट्स गो। और ये आया दूसरा फायर फाइटिंग जॉब, और इसको भी हम लोग वैसा ही कंप्लीट करेंगे जैसे पिछले वाले को किया था। होपफुली मेरी ट्रक इस बार हम लोगों को प्रॉब्लम ना दे एंड ये फायर भी बुझ गई इजीली। तो गाइस अच्छा लग रहा है मेरे को फाइनली Wobbly Life के
शहर में हम लोगों ने बहुत डिस्ट्रक्शन की थी, तो आज हम लोग वॉबली लाइफ के शहर के लोगों के लिए कुछ तो अच्छा कर पा रहे हैं, ये जान के मेरे को बहुत खुशी हुई दिल के अंदर। लेकिन भाई इतना काफी नहीं है, तो हम लोगों को अभी और दो और आग बुझानी है। चलो जल्दी से इसको बुझा देते हैं एंड अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। ओके 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 एंड बस एक और फायर एंड मिशन कंप्लीटेड। अरे हो जा। ओके हो गया। चलो तो $50-$50 की दो दो बोरियां मिली है। आई थिंक इतने पैसे से चौब का मेंशन हो जाना चाहिए अनलॉक। एंड फिलहाल के लिए मेरे को डाल दो इस पैसे की बोरी को इसके अंदर एंड ट्रैक्टर को करते हैं कनेक्ट, निकलते हैं यहाँ से फौरन। ऑलराइट गाइस, ट्रैक्टर के अंदर डाल दिए हैं सारे के सारे पैसे एंड अब टाइम है ट्रैक्टर को लेके यहाँ से निकल के जाने का सीधा मेंशन। तो चलो भाई अब सीधा मैं आप लोगों से मिलूंगा मेंशन के पास। काफी लंबा जर्नी होने वाला है, ऊपर से ये ट्रैक्टर बहुत स्लो है भाई। भाई अरे आराम से आ रहा है, उसके ऊपर चढ़ जाओगे क्या भाई? ओके तो गाइस काफी टाइम लग गया, गाड़ियां भी बदल ली हम लोगों ने क्योंकि थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था रास्ते में, बट फाइनली वी मेड इट टू द स्पॉट एंड ये रहा हमारा मेंशन। अब टाइम इस मेंशन को खरीदने का, तो जल्दी से पैसे सबमिट करो एंड आई थिंक गेट अब खुल जानी चाहिए। यप खुल गई। चलो 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 अंदर चलते हैं भाई। तो ये है वो आलीशान मेंशन जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल है, इसके अंदर ट्रैम्पोलिन वगैरह भी है, बट इसका अच्छा से टूर पता है मेरे को, एक सेकंड हवर बोर्ड लेके आने दे भाई। गाइज अगर हवर बोर्ड रहेगा ना तो अपने को इधर से उधर जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अरे 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 ये क्या हो गया, मेरा बंदा नॉकआउट क्यों हो गया? ओके तो गाइज ये रहा हमारा इंटीरियर, आप लोग देख सकते हो काफी बड़ा लिविंग एरिया है ब्रो, मतलब इतना ज्यादा स्पेस है ना इस घर में। लाइक लिजिट मैं इस घर को देख रहा हूँ, मेरे को एक ही चीज समझ में आ रही है और वो है भाई भर भर के स्पेस दिया है, स्पेस की बर्बादी की गई है। इनफैक्ट देख रहे हो इतना स्पेस बर्बाद है ना, ये देखो किचन में इतनी जगह की जरूरत है ही नहीं बट फिर भी दे दिया इन लोगों ने। मतलब भाई थोड़ा क्रिएटिव बनो यार, जगह को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना सीखो, ना कि बस ऐसे ही बर्बाद कर दो। ये देखो इतने बड़े बाथरूम की किसी को जरूरत है गाइस कभी भी? मेरा घर कितना बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है, मैं एक रूम में रहूंगा और बाकी सारे रूम में भाई अपन लोग होटल बना के रेंट लगा देंगे भाई। लेकिन इसके घर को इस तरह से डिजाइन किया है, ऐसा लगता है भाई एक सेलिब्रिटी नहीं होता है हॉलीवुड या बॉलीवुड का, वैसा घर है भाई, एकदम पॉइंटलेस लग रहा है गाइस। भाई लेकिन ये तो सोचो इस घर के अंदर कितनी मस्त मस्त चीजें हैं, जैसे एक्वेरियम हो गया और उसके बाद मेरा ये आर्ट कलेक्शन ब्रो। अबे ओए हेलो, एक्वेरियम और आर्ट कलेक्शन तूने नहीं बनाया समझ गया, तो इसीलिए इतना ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। और वैसे गाइस ये वाला एरिया भी आप लोग देख सकते हो, हॉल जो है पूरा का पूरा इनसेन अमाउंट ऑफ स्पेस में बनाया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक अपना मैन केव, जहाँ पर शॉप मस्त गेमिंग कर सकता है, उसके बाद यहाँ पर और गेमिंग कर सकता है, और उसके बाद उधर और रिलैक्स कर सकता है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकता है। तो भाई काफी चीजें है करने के लिए, नॉट गोना लाई, घर तो अच्छा है गाइस बट स्टिल मेरे को लगता है ये सब सिर्फ जगह की बर्बादी। और इधर क्या है? ओ भाई इधर तो सीक्रेट गेटवे के लिए भाई मोटर बोट लगा के रखी है इस बंदे ने, ये देखो। अरे 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 कुछ ज्यादा ही तेजी में निकल गया मैं। ओ भाई ये इतना वॉबल क्यों कर रही है भाई? भाई वॉबली लाइफ है तो वॉबल नहीं करेगा क्या? हाँ हाँ मेरा ही डायलॉग मेरे ऊपर मार दे। और गाइस ये काफी तेज चलता है बट अभी के लिए मेरे को इसको प्रॉब्ली पार्क कर देना चाहिए क्योंकि घर का बाकी टूर भी हम लोगों को देना है। अरे रुक जा भाई इतना हिलना बंद कर। ऑलराइट गाइस तो अब हम लोगों का नीचे का टूर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर द अपर फ्लोर्स। तो चलो चॉप मेरे साथ चलो। फॉक्ट भाई आप तो अपना हवर बोर्ड लेके जल्दी से निकल जाते हो, मेरे को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्रो? अरे ये देख तेरा पेट रखने का भी जगह है यहाँ पे, वाह भाई सही है गाइस। तो काफी बढ़िया और स्पेशियस लगा मेरे को नीचे वाला फ्लोर। अब चलते हैं ऊपर के फ्लोर की तरफ और ये इतनी पतली सी सीढ़ी दी है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे? तू इतना जगह भाई बर्बाद कर रहा हो, थोड़ा मोटा सा सीढ़ी नहीं बना सकते? तो बताओ यार इतना पतला सा बना दिया इसने। खैर अब मैं क्या ही करूँ, ये नूबड़ा है भाई। ओ ये अच्छा एरिया, ये पूरा कैंटिलीवर कर रहा है भाई लिविंग रूम के ऊपर में, काफी बढ़िया लगा मेरे को ये एरिया। यहाँ पे एक हार भी रखी है इसने और ओ माय गॉड मेरे घर का पूरा व्यू दिखता है भाई यहाँ से। तो गाइस शॉप जब चाहे तब नजर रख सकता है अपन लोग पे। फ्रॉक्ट भाई तो नजर रखने की तो बहुत जरूरत है भाई। और ये रहा मेरा मास्टर बेडरूम, यहीं पर मैं सोऊंगा फ्रॉक्ट भाई। अरे क्या मास्टर बेडरूम है ब्रो, ओ माय गॉड इतना जगह और ऊपर से ये शानदार स्विमिंग पूल छत के ऊपर बेडरूम के सामने, और व्यू तो इनसेन है गाइस। यहां से पूरा का पूरा लाइट हाउस और वॉबली लाइफ रवीन दिखाई देता है, नॉट गोना लाई सबसे बेस्ट व्यू अभी तक अगर किसी घर में देखा है ना मैंने तो प्रोबेबली यही का है। अरे अरे मैं नीचे गिर गया। अरे भैया अब ऊपर आना पड़ेगा मेरे को। ऑलराइट तो गाइस देख सकते हो ये जो स्विमिंग पूल है काफी जबरदस्त है, इसके अंदर आप लोग रिलैक्स कर सकते हो, चिल आउट कर सकते हो, और अभी तक का सबसे बेस्ट स्विमिंग पूल है। इतना अच्छा स्विमिंग पूल तो मेरे को लगता है वाटर आइलैंड पे भी नहीं था। चलो गाइस अब यहाँ पर से निकलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। तो एक रूम तो हमारा इधर हो गया जिसके अंदर चॉप मस्ती करेगा, ठीक है। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इसका इतना छोटू सा बाथरूम भाई, तो इससे ज्यादा बड़ा बाथरूम तो भाई नीचे वाला है तेरा। भाई तो उस बाथरूम पे थोड़ी जाऊंगा भाई, आई मीन इस बाथरूम को थोड़ी यूज करूंगा, उसी बाथरूम को यूज करूंगा ब्रो। हाँ ठीक है भाई तेरा घर है, तेरे को जो करना है कर। और ये है इसका बालकनी एरिया भाई, बालकनी से पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस दिखता है गाइस। देख रहे हो इतना सारा पार्किंग स्पेस है चॉप के पास, जो
क्योंकि इनसेन है, हाँ मैं जानता हूँ, बट अब क्या कर सकते हैं, अमीर लोगों के अमीर चोचले है ना। तो चलो इधर चलते हैं। अब इधर क्या है, इधर एक और बाथरूम। अरे भैया इतने बाथरूम क्या है भाई, क्या किसको इतना सूसू लग रहा है तेरे घर के अंदर? भाई आपको नहीं पता इंसान को कब बाथरूम आ जाए, तो इसीलिए हर समय बाथरूम उसके पास रहना चाहिए ब्रो। हाँ बहुत बढ़िया, तेरे को अपने घर में ही चलना नहीं आता है नूब। और ये है इसका प्राइवेट जिम, और जिम के साथ मिलता है एक और जबरदस्त व्यू, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मस्त, आप साइकिलिंग कर सकते हो डेली सुबह उठ करके। हम लोग सुबह में भी इस घर को डेफिनेटली चेकआउट करेंगे। इट्स रियली सैड कि अभी इतना ज्यादा रात हो रहा है, रात भी नहीं अभी तो इनफैक्ट 4:30 बज रहे सुबह के। और ये देखो ये है ट्रेडमिल, और ये सही में काम करती है, देख के अच्छा लगा मेरे को। लेकिन मेरे को नहीं लगता वॉबली लाइफ के लोग यार ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं भाई। भाई आपको कैसा लगता है कि मैं इतनी कसरत करके इतना फिट कैसे रहता हूँ भाई? यही सारी चीजें तो मदद करती है मेरे को। अबे तू आज घर खरीद के लाया है समझा? और ये देखो गाइस अपनी पावर देखोगे तुम, ये भारी वजन हमारे लिए कुछ नहीं है दोस्तों। ओ माय गॉड, अरे अरे कहाँ ले जा रहा है नूबड़े, छोड़ तो दे मेरे को। भाई चलो आपको एक और कूल चीज दिखाता हूँ ब्रो। अरे कूल चीज तू दिखाते रही हो, पहले मेरे को देख। अच्छा हाँ, एक्चुअली बहुत भारी वजन है भाई, नीचे रख दे तो कमर टूट जाएगी मेरी बंदे की। ओके ये भी उतना ही भारी है, क्या मैं इसको लेके जा सकता हूँ छत के ऊपर? अबे चल जा, अबे चलता ही नहीं है यार। ओ चॉप क्या कर रहा है? अरे फायरवर्क्स भाई, चलो 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 जल्दी सुबह हो जाएगी नहीं तो। तो गाइस यही है वो घर जहाँ पे हम लोगों ने एक बार आके फायरवर्क्स दिखाए थे, एंड चॉप के पास अपना पूरा फायरवर्क पॉट है जहाँ पे से ये अनलिमिटेड फायरवर्क्स लॉन्च कर सकता है। एंड लुक एट द व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमेशा की तरह स्टे फ्रॉस्टी।